आज हम सबसे पहले आपको मणिपुर में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार की दर्द भरी कहानी दिखाएंगे। आज कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके 8 साल के बच्चे का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ में उनके घर पहुंचा। कर्नल त्रिपाठी सिर्फ 41 साल के थे और शनिवार को जब वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर 46 असम राइफल्स की अपनी यूनिट और परिवार के साथ अपने हेडक्वार्टर वापस लौट रहे थे, तभी कुछ आतंकवादियों ने घात लगाकर उन पर और उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए और उनकी पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी दुखद मृत्यु हो गई। उनके 8 साल के बच्चे का नाम था अबीर और कुछ समय पहले ही अबीर ने एक कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया था। तब इस 8 साल के बच्चे ने कहा था, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। लेकिन तब शायद इस छोटे से बच्चे को यह एहसास भी नहीं रहा होगा कि एक दिन ये अपने पिता के साथ ही इस तरह से शहीद होगा। आज पूरे देश को 8 साल के अबीर की ये बात जरूर सुननी चाहिए। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये कितना दुखद है कि आज हमें इस 8 साल के बच्चे की मृत्यु की खबर आपको सुनानी पड़ रही है इस तरह से। हम आपको मणिपुर में शहीद हुए सभी जवानों के घर आज लेकर चलेंगे और उनकी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस हमले में चीन का क्या रोल था। अभी तक आप सिर्फ ये समझते होंगे कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे 2 फ्रंट खुले हुए हैं और पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि चीन न सिर्फ अपनी सेना के जरिए LAC पर दबाव बना रहा है, बल्कि वो अब उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद को भी खुलकर बढ़ावा दे रहा है। और जब आप इस हमले के बारे में जानेंगे तो इसमें आपको चीन के फुटप्रिंट्स साफ नजर आएंगे। शनिवार को जब आप सब लोग वीकेंड की तैयारी में लगे थे, तब भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य मणिपुर में 46 असम राइफल्स के कुछ जांबाज जवानों की आतंकवादियों के साथ एक जानलेवा मुठभेड़ चल रही थी। आतंकवादियों ने घात लगाकर 46 असम राइफल्स के एक काफिले पर हमला किया और इस काफिले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और इन दोनों का 8 साल का बेटा अबीर शामिल था। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए और उनकी पत्नी और 8 साल के बेटे की भी मृत्यु हो गई। इसके अलावा उनकी यूनिट के 4 जवान भी शहीद हुए, जबकि हमले में घायल हुए कुछ जवानों की हालत इस समय भी बहुत गंभीर बनी हुई है। हम कह नहीं सकते इनमें से कितने लोग बचेंगे। घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादी मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर के रास्ते मणिपुर के चूरा चांदपुर जिले में दाखिल हुए थे और जिस जगह पर यह हमला हुआ वो म्यांमार की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। मणिपुर और म्यांमार के बीच 398 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से असुरक्षित है और यहां किसी तरह की कोई दीवार भी नहीं है, यानी अंग्रेजी में इसे पोरस बॉर्डर कहते हैं, जिसमें कोई दीवार नहीं है और ये जो बॉर्डर है एक तरीके से खुला हुआ है, यहां से कोई भी कभी भी भारत की सीमाओं में प्रवेश कर जाता है। ये हमला तब हुआ जब कर्नल त्रिपाठी 46 असम राइफल्स की क्विक रिएक्शन टीम और अपने परिवार के साथ बेहियांग बॉर्डर पोस्ट से खुगा में मौजूद अपनी बटालियन के हेडक्वार्टर्स में लौट रहे थे। जब उनका काफिला इसी इलाके में मौजूद एस सहकेन नामक गांव के पास से एक सिंगल लेन सड़क से गुजर रहा था, तभी आतंकवादियों ने पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED की मदद से धमाका किया और फिर कर्नल त्रिपाठी और उनकी टीम पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल त्रिपाठी और उनकी टीम इस इलाके में न सिर्फ आतंकवादियों के लिए मौत का दूसरा नाम बनी हुई थी, बल्कि वो और उनकी टीम इस रास्ते से होने वाली ड्रग्स की तस्करी को भी बहुत हद तक रोकने में कामयाब रहे थे और माना जा रहा है कि इसी वजह से आतंकवादियों के निशाने पर कर्नल त्रिपाठी थे। आतंकवादी उनसे किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने, इन दो संगठनों ने ली है और हमें यह जानकारी मिली है कि आतंकवादियों का नेतृत्व एक सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टिनेंट साना टोंबा कर रहा था, जो मणिपुर के टेंथा
खोनोऊ बाजार का रहने वाला है। आज हमें उसकी तस्वीर मिल गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो जी न्यूज को मिली है, और यही वो व्यक्ति है जो इस हमले के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये उस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था, अपने आप को लेफ्टिनेंट ये बताता है, और उसकी तस्वीर आज पहली बार आप सबके सामने है। यानी हमारा जो गुनाहगार है वो ये आदमी है और इसके साथी हैं, और ये आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी की तस्वीर आप इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही भारत का गुनाहगार है। ये हमला 12 आतंकवादियों के एक समूह ने किया था, जिसमें 3 आतंकवादी मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट के थे, और सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों की ये टीम हमला करने के बाद भारत म्यांमार बॉर्डर को पार करके वापस म्यांमार में भाग गई। यानी ये जो शख्स है ये इस समय म्यांमार में मौजूद है, और यही उस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। म्यांमार में इस समय सेना का शासन है, जैसा कि आप जानते हैं, वहां तख्ता पलट हो गया था, चुनी हुई सरकार को वहां से हटा दिया गया है, और माना जाता है कि इस समय वहां चीन का दखल हर दिन बढ़ रहा है, और यह भारत के लिए एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि म्यांमार की स्थिति दिन पर दिन अब खराब होती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं जब म्यांमार भी शायद एक दिन अफगानिस्तान के जैसा बन जाएगा। सेना का शासन है और वहां पर सिविलियन सरकार इस समय है नहीं, और जो सेना का शासन चल रहा है उसमें चीन अभी बहुत दखलअंदाजी करने लगा है। हमने जब इस पूरे हमले की तहकीकात की तो समझ में आया कि उत्तर पूर्व में चीन भारत की सेना के खिलाफ अब वैसे ही काम कर रहा है जैसे पश्चिम में पाकिस्तान करता है, जैसे पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों की मदद करता है, वैसे ही चीन लंबे अरसे से उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवादियों को पैसा देता है, यानी फंडिंग, ट्रेनिंग देता है, और हथियार भी उन्हें वो मुहैया इस समय करा रहा है। और आज इसका सबूत हम आपके सामने रखेंगे, जब दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स ने आज NSCN KYA के 3 आतंकवादियों को आज एक एनकाउंटर में मार गिराया। ये आतंकवादी 2 नागरिकों का अपहरण करके उन्हें म्यांमार ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और इन आतंकवादियों के पास से 3 हथियार मिले हैं, जिनमें से एक चीन में बनी कलाश्निकोव राइफल थी। ये ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश के खोगला और काइमोई के बीच हुआ, जो भारत म्यांमार बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसी तरह शनिवार को मणिपुर में जिन आतंकवादी संगठनों ने हमला किया था उनके तार भी चीन से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया चीन उत्तर पूर्व में आतंकवादियों की हर संभव मदद इस समय कर रहा है। मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के साथ भी संबंध है। मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 600 से 700 आतंकवादी हैं जो भारत और म्यांमार सीमा के पास ऑपरेट करते हैं, और जब भी भारत इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये वापस म्यांमार भाग जाते हैं। म्यांमार और चीन की सीमा के पास चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है यूनान। यूनान के रुइली इलाके में ही आतंकवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के कमांडर परेश बरुआ को शरण मिली हुई है, और जानकारी के मुताबिक चीन परेश बरुआ के नेटवर्क का इस्तेमाल करके उत्तर पूर्वी राज्यों में हथियार पहुंचा रहा है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश इस फ्रंट के जरिए वो कर रहा है। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के म्यांमार के यंगून, मेंडले और सेंगैंग में हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा ये संगठन चीन से सटे म्यांमार के वा इलाके से भी ऑपरेट करता है, और यहां भी इसे आसानी से चीन की मदद मिल रही है। यानी आप देखेंगे तो चीन के फुटप्रिंट्स आपको हर जगह नजर आएंगे। इसके अलावा चीन म्यांमार के सैनिक शासन के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे उत्तर पूर्व के आतंकवादी संगठनों का काम और भी आसान हो गया है, और अब वो म्यांमार की जो जमीन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है, और चीन की नजर इन्हीं इलाकों पर है, और वो इन रास्तों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अब अंजाम देना चाहता है। यानी भारत अब दोनों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ पाकिस्तान है और वो कश्मीर के रास्ते या फिर पंजाब के रास्ते भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है, भारत में, भारत की सीमा में आतंकवादियों को भेजता है,
उन्हें ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, ये सब आप वर्षों से सुनते आए हैं। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि चीन की सेना जो है वो लद्दाख के आसपास के जो इलाके हैं उत्तर पूर्व में, वो लगातार दबाव बनाकर रखती है। लेकिन जिस बात को हम भूल जाते हैं या जिसकी रिपोर्टिंग हमारे यहाँ बहुत कम होती है, वो ये है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के जरिए चीन अब आतंकवादियों को ट्रेन करके, पैसा देकर, हथियार देकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। और अब ये दोनों फ्रंट भारत के लिए खुल चुके हैं। भारत को भले ही पाकिस्तान और चीन की सेनाओं से ना लड़ना पड़ रहा हो, लेकिन दोनों ही सीमाओं पर, जो कि हजारों किलोमीटर लंबी फैली हुई है, अब भारत को आतंकवादियों से लड़ना पड़ रहा है और ये आतंकवादी चीन और पाकिस्तान से मदद लेकर यहां आ रहे हैं। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा जो जवान शहीद हुए, आज उनकी कहानियां आपको रुला देंगी। हम हमेशा से कहते आए हैं कि शहीदों के घर जाना एक तरीके से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से कम नहीं है। इसलिए आज हमने इन शहीदों के घरों से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम जानते हैं आप इनके घरों में तो कभी नहीं जा पाएंगे, आप इनके परिवारों से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप किसी शहीद के घर गए तो वो तीर्थ यात्रा के बराबर है। और ये तीर्थ यात्रा हम आपको घर बैठे आज कराना चाहते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और आपको सोचना चाहिए कि जब हम सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ आराम से बैठ रहे होते हैं, ये सोचते हैं कि वीकेंड पर कहाँ जाना है, तब ये जवान कैसे अपनी जान पर खेलकर आपको और आपके परिवारों को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश करते हैं और खुद अपने परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ट्रक कैंपेन के नाम पे एक बहुत बड़ा एक मोर्चा खोल दिया हमने, और ये कोई एक दिन या एक महीने का कैंपेन नहीं था, ये पूरे साल भर ये कैंपेन चलता रहा। एक जो ऑपरेशन होता है उसमें दो तरह के फायदे होते हैं। पहला तो उसको पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि इतना बड़ा डील वो नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो हम देखते हैं वो है कि वो ड्रग अगर हमने नहीं पकड़ा होता तो वो किसी मासूम के घर वो जा रहा होता और वहाँ उस घर को बर्बाद करता। तो वो बड़ा फायदा है। पैसा तो छोटी चीज़ है, बट बड़ा फायदा ये कि घर बर्बाद होने से बच गया। Thank you.
आज हम भी आप सबके साथ मिलकर इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनके परिवारों के लिए कामना कर रहे हैं कि भगवान इन्हें शक्ति दे इस दुख को सहने की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.